केंद्र सरकार वालों लंगर ते जीएसटी नु खत्म करन तो बाद जिथे एसजीपीसी ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों केंद्र सरकार दे फैसले दा स्वागत कीता गया, उथे दुर्ग्याना मंदिर कमेटी दे प्रधान रमेश शर्मा ने भी केंद्र सरकार वालों लंगर ते जीएसटी नु खत्म करन दे लई केंद्र सरकार दे फैसले दा स्वागत कीता। उन्हें कहा कि एसजीपीसी ते दुर्ग्याना मंदिर कमेटी काफी देर तो मांग कर रही सी कि हर रोज बनन वाले लंगर नु जीएसटी तो मुक्त कीता जावे, क्योंकि यह लंगर आने वाले श्रद्धालुओं लिए बनाया जाता है। इस तो देखते हुए केंद्र सरकार ने लंगर नु जीएसटी तो मुक्त कर दिता है। इस तो दुर्ग्याना मंदिर कमेटी नु 90 लाख रुपए का फायदा होगा। इस तरह है कि जीएसटी लगन तो पहला जो वैट सी वो श्री हरिमंदर साहब ते ते श्री दुर्ग्याना तीर्थ ते पंजाब गवर्नमेंट वालों पहले तो माफ सी। उसके बाद जल्द जीएसटी लगी तो असीं दोनों धिरों ने उपराला किया कि क्योंकि ये लंगर का काम है, असी ये कोई प्रॉफिट तो कमाते नहीं, तो ये जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन काफ़ी जदोजहद के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने तो माफ़ करती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं सी की, जिदे पिछे सारे MLA लोकल MP जड़े ने वो लगे हुए थे, तो हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माफ़ करती है। असी यदा स्वागत करते हैं, यदा करीब 90 लाख रुपए का दुर्ग्याना नूं फायदा होएगा हर साल का, क्योंकि करीब 5 करोड़ तो उपर साड़ी जिहड़ी परचेज हैगी है उहदे विच GST का जिहड़ा हिस्सा है सारा माफ़ हो जाएगा, तो असी पब्लिक नूं चंगे तरीके नाल सेवा उन्हां दी कर सकते। अमृतसर तो गजनर सिंह किंग दी रिपोर्ट, चैनल 2।